तो वीडियो काफी दिनों के बाद, क्योंकि मैं पिछले 5-6 दिन से बहुत बिजी था। एमएमयू सोलन का मॉकअप राउंड था, उसके बाद मध्य प्रदेश में मेरी विजिट थी 2 दिन की। आपको कुछ वीडियोस जरूर डाल के दिखाऊंगा, स्पेशली जो मेरी भोपाल ट्रिप था। बट राइट नाउ कमिंग बैक टू दी कर्नाटका का जो ये नोटिफिकेशन आया है, उसको लेके जो लोगों में वो चल रहा है कि भाई ये क्या है। तो जस्ट फॉर योर नॉलेज, देखिए जो मैं शुरू से कह रहा था कि कर्नाटका में मॉपअप राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं होनी थी और नहीं की गई थी। काउंसलर्स कुछ चैनल्स बता रहे थे कि होती है, कुछ कंसल्टेंट्स, कंसल्टेंट नहीं कहूंगा, कहूंगा फ्रॉड एजेंट लोगों को साथ ना देके बैठते हैं कि भाई मॉपअप में हम आपका करवा देंगे, फिर आपको मॉपअप में टॉप कॉलेजेस मिल जाएंगे। लेकिन देखिए शुरू से ही कर्नाटका ने जिस तरह से अपने रूल बनाए थे, चॉइस फिलिंग को लेके आप बहुत पर्टिकुलर थे, हमने बहुत दिमाग लगाया था एक्चुअली। कुछ क्योंकि हमारे कुछ क्लाइंट थे जो चाहते थे 590 रेंज वाले, उनको राउंड वन और राउंड टू में सीट ना मिले ताकि वो मॉपअप में आ जाएं, तब तक वो अपना सरकारी ट्राई कर लें। मॉपअप इस समय कर्नाटका का खत्म हो रहा है एज वी कॉल इट, और आज भी है और कल परसों तक चलेगा। ये जो नोटिफिकेशन आया ना, ये सीधी भाषा में स्ट्रे मॉपअप के लिए। तो एक तो वो लोग जो अपने आप समझने की कोशिश करते हैं काउंसलिंग फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड मॉपअप और स्ट्रे मॉपअप, ये जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं स्ट्रे मॉपअप के लिए है। डेफिनेटली स्ट्रे मॉपअप के लिए इन्होंने एक ऑप्शन दे दिया आपको कि आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वो अभी खुल जाएगा शाम को 5 बजे, वो 31 तारीख तक 10 बजे तक रहेगा, तब तक मॉपअप राउंड खत्म हो जाएगा। राइट, स्ट्रे मॉपअप का फायदा क्या है? एक तो फिर से रूल समझ लीजिए, स्ट्रे मॉपअप कॉलेज के लेवल पे होता है, आपको ज्यादा जानकारी रखनी पड़ेगी। थोड़ा सा ना देखते हैं कि जब कल 28 तारीख खत्म हुई, ये लोग ना लॉन्च करते हैं कि 28 तारीख को देखिए शाम को 7:30 बजे क्या सीट अवेलेबिलिटी है। राइट, ये सीट अवेलेबिलिटी थी नॉर्मल फीस की, जो वो 9.5 लाख फीस की है। जैसे हम देखते हैं काफी लिमिटेड सीटें बची हैं, इसमें भी जो आपको ज्यादा ज्यादा नजर आ रहा है, जो ये एएमएस बेलूर है, वो है जो ज्यादा फीस वाले हैं। राइट, तो एएमएस बेलूर जो है वो 26 लाख फीस वाला कॉलेज हो गया। इसके अलावा एसडीएम धारवाड़ वाला जो कॉलेज है, 17 लाख फीस का। जैसे हम जानते हैं कर्नाटका में 26 कॉलेज की फीस रीजनेबल थी, 27 कॉलेज की, और बाकी सबकी ज्यादा थी। राइट, जो 30 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो उसी के हिसाब से ही जो सीटें बची हुई है, जितनी आपको ज्यादा सीटें दिखाई दे रही है, ये सारी उन्हीं कॉलेजों में जो महंगे हैं। राइट, ये 29 सीटें तो उसमें थी डॉक्टर चंद्रामा जो आपको लास्ट में नजर आ रहा था। इसके अलावा सीटें बहुत कम बची हैं, लेकिन हाँ इसमें पूरी सीटें बची हुई हैं, 840 सीटें, क्योंकि ये वो सीट्स हैं जिनकी जो फीस होती है वो होती है 40-40 लाख रुपए। राइट, ऑफिशियल फीस है। और इसमें जो भी स्टूडेंट है इंडिया का, वो अगर काउंसलिंग करने चला जाए मॉपअप राउंड में, चाहे अभी 8,000 भी रैंक है, आपको देखिए सारी सीट अवेलेबल है। इवन एक एमएस रामे के भी समय आज की डेट में सीट अवेलेबल है, ठीक पेंपागौड़ा बैंगलोर की सीट अवेलेबल है, विदेही की सीट अवेलेबल है, यू नेम इट, और फातमुलर की सीट अवेलेबल है। पर ये कौन सी सीटें हैं? वो सीटें हैं जहां पर फीसें जो हैं वो 30 लाख 34 लाख 45 लाख रुपए साल है। तो क्लियर हुआ। और इन्हीं सीट्स के लिए बेसिकली आपको स्ट्रे मॉपअप अलाउ किया गया है, मेरी जहां तक समझ है। आज जब तक शाम खत्म होगी तब तक जो ये सीट्स हैं ये तो काफी हद तक खत्म हो ही जाएंगी। जो ये नॉर्मल फीस की सीटें बची होंगी 10-10 16-17 लाख, पर 16-17 लाख पर की फीस भी शायद आज खत्म हो जानी चाहिए। और फिर ये जो फीसें होती हैं 40 लाख 42 लाख, जिनकी ये सारी सीटें हैं, इनके लिए स्ट्रे मॉपअप कह लीजिए या कॉलेज लेवल पे नेगोशिएशन कह लीजिए, और ये बिल्कुल वन टू वन नेगोशिएशन है, कोई इसमें फिक्स रेट नहीं है। सीटें देखिए बहुत सारी हैं, 50-50 सीटें हैं एनएमएनसी बागलकोट में। अपने 50 सीटें देना चाहेंगे ना खाली, तो अपने पास रखना तो चाहेंगे नहीं। और ये वो सीटें हैं जिसमें 1 करोड़ से लेके, देखिए अगर आप ऑफिशियल फीस की बात करें, मैं मोटे मोटी कहूँ तो 35 लाख इंटू 4.5 साल, तो पौने 2 करोड़ का पैकेज बनता है। और शायद अगर आप एमएस रामिया के या कैंपेगौड़ा जाएंगे तो आपको 1.5 करोड़ रुपये देना ही पड़ेगा, लेकिन एक एक 10 में आपको और चीजें मिल सकती हैं। बहुत लंबी लिस्ट है, आप खुद भी चाहें तो 30 के 30 कॉलेज में फोन कर सकते हैं, बशर्ते वो आपका फोन उठाएं या आपको फोन पे जवाब दें। और इन चीजों में अगर आपको हेल्प चाहिए कि बेंगलोर में या कर्नाटका के इन कॉलेजेस की इन सीट्स में आपको
रफली स्पीकिंग 90 लाख से लेके 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ तक चलता है। 80-90 में भी काम हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है ना, जिस कॉलेज की सीटें खाली जा रही होंगी वो आखिरी दिन तो 80 में भी दे देगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो पेशेंस से बैठा होता है कभी कभार उसको सस्ता सौदा मिल जाता है, अच्छा सौदा मिल जाता है, पर कभी कभार खाली भी रहना पड़ सकता है। इन सब चीजों के लिए हम आपके लिए अवेलेबल हैं। मैं कई बार कहता हूँ एक नॉमिनल हमारा रजिस्ट्रेशन अमाउंट रहेगा 25,000 रुपीज, आपको ये सीटों में दिलाने में हेल्प करने का। ओके, ये है कर्नाटका का डिटेल। जैसा मैंने कहा, जिन लोगों ने पर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा उन्हें करना पड़ेगा, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा है उनको अभी तक सीट नहीं मिली है उनको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। जो किसी भी वजह से इनएलिजिबल हो गए हैं कि सीट मिली थी सेकेंड राउंड में नहीं ली, फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं करी, जो भी अगर आप इनएलिजिबल हो गए तो दोबारा कर लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। जिसको सेफ चलना है, अगर वो आपको अलाउ कर रहा है रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो कर दीजिएगा। और सिर्फ फर्क यही है कि इस रजिस्ट्रेशन से आप स्ट्रे मॉपअप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जिसमें ये नेगोशिएटेड सीट्स दी जाएंगी। डेफिनेटली 60 लाख के पैकेज में कोई मिलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन हाँ 80 से लेके 1.25 करोड़ तक अगर आपको टॉप कॉलेजेस चाहिए, बजट का इशू नहीं है, वो भी आपको मिल सकते हैं बैंगलोर के कॉलेजेस। ओके, अभी भी मिल रहे हैं, अभी भी अगर आप कर्नाटका के मौका पे पहुंच जाएं, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया था, जैसा मैंने कहा ना कि बामियां तक की एक सीट खाली पड़ी है अभी, राइट? तो और कल 28 खत्म हो गई है, काफी रैंक तक के बच्चे जा चुके हैं, तो उन्होंने नहीं उठाई ना इतनी महंगी सीट, आप ले सकते हैं। हमारी हेल्प चाहिए, नो ओवर नंबर 9643362320 कॉल कीजिए, वी शैल बी एबल टू हेल्प यू। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।